तारीख 14, महीना फरवरी, साल 269 अर्थात तीसरी सदी। इसी दिन संत वैलेंटाइन का सर कटवा दिया गया और तभी से हर वर्ष 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। आइए पूरी जानकारी के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। रोम में तीसरी सदी में राजा क्लॉडियस द्वितीय का शासन था। वह बहुत ही जिद्दी और निर्दयी किस्म का व्यक्ति था। अपनी क्रूरता से वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। क्लॉडियस के अनुसार विवाह करने से पुरुषों की शक्ति और बुद्धि दोनों ही कम हो जाती है। उसने फतवा जारी किया कि उसके राज्य में कोई भी विवाह नहीं करेगा। राजा के इस आदेश से पूरे साम्राज्य में हाहाकार मच गया। उस वक्त रोम में संत वैलेंटाइन पादरी थे। वह रोमन राजा क्लॉडियस के आदेश के खिलाफ थे। वह पूरे राज्य में लोगों को प्यार करने और विवाह करने के लिए प्रेरित करने लगे। संत वैलेंटाइन ने रोम में कई सैनिकों और अधिकारियों की भी छिपकर शादी करवाई। इस बात का पता जब क्लॉडियस द्वितीय को लगा तो उसने संत वैलेंटाइन को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जब संत वैलेंटाइन जेल की सलाखों के पीछे थे तो उसी जेल में एक जेलर था ऑस्टेरियस। उसने वैलेंटाइन को अपनी नेत्रहीन बेटी के लिए प्रार्थना करने को कहा। संत वैलेंटाइन के प्रार्थना करने से ऐसा चमत्कार हुआ कि उसकी बेटी की आंखों की रोशनी आ गई और वह देखने लगी। आंखों की रोशनी मिलते ही वो वैलेंटाइन से मिलने आई और वहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो उसने वैलेंटाइन को कहा कि या तो वह विवाह का विरोध करे, नहीं तो दर्दनाक मृत्यु के लिए तैयार हो जाए। लेकिन वैलेंटाइन ने शादी का विरोध करने से साफ इनकार कर दिया। संत वैलेंटाइन को मृत्यु दंड देने की तैयारी चल रही थी। तभी उन्होंने अपनी प्रेमिका, जो कि जेलर की नेत्रहीन बेटी थी और अब देखने लगी थी, उसको आखिरी प्रेम पत्र लिखा और उसके नीचे लिखा, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। आज भी इन्हीं जादुई शब्दों का वैलेंटाइन के दिन सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। प्यार करने वालों के लिए ये दिन सबसे बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल, ठीक है अपना सर तो नहीं कटा सकते, लेकिन इस समाज में प्रेम पूर्वक तो रह ही सकते हैं और प्रेम का संदेश तो फैला ही सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए केएस नौनिहाल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।